आप देख सकते हैं चावल एकदम खिले खिले बन चुके हैं, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं, एकदम सेपरेटेड है। तो ऐसे ही हमें ये पुलाव चाहिए रहता है। बहुत बढ़िया दिख रहा है, एकदम टेस्टी, वाह। है एवरीवन, मैं हूँ मधुरा एंड वेलकम टू मधुराज रेसिपी। आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल पुलाव परफेक्ट टिप्स और ट्रिक्स के साथ, जो हम कुकर में बनाएंगे और एकदम बहुत बढ़िया और खिला खिला बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने है लिए हैं 2 कप लॉन्ग ग्रेन बासमती चावल। अब इसमें डालेंगे पानी और कम से कम 2 से 3 बार हम इसे वॉश कर लेंगे, रिंस कर लेंगे। चावल अच्छे से रिंस करके लिए हैं, अब इसमें पानी डालेंगे और कम से कम आधा घंटा इसे सोक करके रखेंगे। बासमती चावल जब हम सोक करते हैं तभी वो अच्छे से खिल जाते हैं और एकदम बढ़िया से कुक हो जाते हैं, तो इसे सोक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सब्सक्राइब टू मधुराज रेसिपी एंड हिट द बेल आइकॉन टू रिसीव अपडेट्स ऑफ ऑल माई न्यू रेसिपीज। चावल हमारे सोक हो रहे हैं, तब तक कुकर में ऑयल डालेंगे 2 से 3 चम्मच। तेल गरम होने के बाद इसमें जाएगा 1 चम्मच जीरा। जीरा अच्छे से फूल जाए फिर तेज पत्ता 2 से 3, दालचीनी 3 से 4 पीसेस, हरी मिर्च स्लाइस की हुई 3 से 4, इससे पुलाव में तीखापन आ जाता है। क्लव्स और काली मिर्च साबुत, हरी इलायची 2 से 3 और स्टारफुल 2 से 3, ये बस तेल में मिक्स करेंगे। और बारीक कटा हुआ प्याज, प्याज को हल्का सा सुनहरा होने तक हम भून लेंगे। यहाँ पर अब प्याज अच्छे से फ्राई होने के बाद इसमें हम डालेंगे सब्जियाँ। सबसे पहले जाएगा आलू, गोभी, बीन्स, तो आप आपकी पसंद की सब्जी इसमें डाल सकते हो, गाजर और मटर, ये ताजे मटर हैं। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और अब इसी में हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। वापस एक बार मिला लेंगे। चलिए, सब्जियां मैंने अच्छे से 2 से 3 मिनट फ्राई कर ली है। अब हम इसमें डालेंगे चावल। तो चावल मैंने इसमें से पानी निकाल लिया है। चावल पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब्जियों के साथ हल्के हाथ से। और अब इसमें डलेगा पानी। तो हमने 2 कप चावल लिए हैं, लेकिन चावल हमने सोक करके रखे थे आधा घंटा, तो चावल ने काफ़ी सारा पानी ऑलरेडी सोक किया है। तो अब 2 गुना पानी नहीं डालेंगे बल्कि थोड़ा सा कम, मतलब 2 कप चावल है तो मैं इसमें डालूंगी 3 कप पानी, 4 कप पानी नहीं डालूंगी। अब इसमें डलेगा नमक, काजू और किशमिश, सब अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से ये मिक्स हो गया, फिर अब इसके ऊपर मैं डालूंगी 2 चम्मच घी, देसी घी। ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं कि डालना है, लेकिन इससे चावल का जो स्वाद है बहुत अच्छा आ जाता है, चावल का टेक्सचर भी है वो बढ़िया आ जाता है। तो 2 से 3 चम्मच मैंने घी इसमें डाल दिया है। अब ढक्कन लगाकर मीडियम हीट पर बस 2 सीटी निकालूंगी। सीटी निकालते निकालते सचमुच आज इस कुकर की सीटी निकल गई थी। तो चलिए, स्टीम पूरी रिलीज हो गई है, वाह।
तो आप देख सकते हैं चावल एकदम बढ़िया से कुक हो चुका है। बस फोर्क से ही हम इसे हल्के हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। हाँ, चारों तरफ गया था। देखिए आप, पुलाव कितना बढ़िया दिख रहा है, एकदम खिला खिला हो गया है। वाह, तो रेसिपी अच्छी लगी तो यूट्यूब पर मधुराज रेसिपी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, वो डेमो ये दिखा रहा इससे उड़ गया है। हाँ, रेसिपी अच्छी लगी तो यूट्यूब पर मधुराज रेसिपी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बाय 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 बाय।